हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं कॉमन मिस्टेक्स इन इंग्लिश एंड दिस इज द सेकेंड पार्ट इन दिस सीरीज। नंबर वन, से वंस प्रेयर्स। से वंस प्रेयर्स होता है नॉट मेक और डू वंस प्रेयर्स। देखिए, अभी मैं आपको एग्जांपल्स दिखाने वाली हूँ सेंटेंसेस के फॉर्म में, जिससे कि आपको ये और भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। आई मेक माई प्रेयर्स बिफोर आई गो टू बेड इज़ रॉन्ग, आई से माई प्रेयर्स बिफोर आई गो टू बेड इज़ राइट। ओके, देखिए फर्स्ट सेंटेंस में मेक माई प्रेयर्स लिखा गया है, इसलिए वो रॉन्ग है, और सेकेंड सेंटेंस में से माई प्रेयर्स लिखा गया है, इसलिए वो राइट है। नंबर टू, हैव अ ड्रीम। हैव अ ड्रीम होता है, ओके, इसकी जगह अगर आप कुछ और लिखते हो, जैसे कि अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ सी अ ड्रीम, वो रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, हैव अ ड्रीम नॉट सी अ ड्रीम। आई सॉ अ स्ट्रेंज ड्रीम लास्ट नाइट, ये रॉन्ग है। आई हैड अ स्ट्रेंज ड्रीम लास्ट नाइट, ये राइट है। ओके, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, वो जनरली यही बोलते हैं आई हैव सीन अ ड्रीम। ओके, तो इस तरह से आपने नहीं लिखना है। नंबर थ्री, मेक अ मिस्टेक। मेक अ मिस्टेक होता है नॉट डू अ मिस्टेक। इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, आपने ध्यान रखना है इस बात का कि आपने ये मिस्टेक नहीं करनी है। आई डिड वन मिस्टेक इन डिक्टेशन इज़ रॉन्ग, आई मेड वन मिस्टेक इन डिक्टेशन इज़ राइट। ओके, जब भी आप इस तरह का सेंटेंस बनाएं तो आपने डू अ मिस्टेक नहीं लिखना है, आपने लिखना है मेड मिस्टेक। ओके, मेड अ मिस्टेक, इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। मेड की जगह आप कमिटेड भी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है नंबर फोर, टेल और स्पीक द ट्रूथ। आप जब भी इस तरह का सेंटेंस बनाएं तो टेल या फिर स्पीक लिखें ट्रूथ से पहले, नॉट से द ट्रूथ। ओके, तो उससे पहले आपने से नहीं लिखना है। ही ऑलवेज सेज द ट्रूथ इज़ रॉन्ग, ही ऑलवेज टेल्स द ट्रूथ इज़ राइट। अगर आप टेल्स की जगह यहाँ पर स्पीक्स लिखते तो भी वो करेक्ट हो जाता। ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ इज़ ऑल्सो राइट। ओके, तो इसका भी आपने ध्यान रखना है, अच्छे से आपने समझना है, नोट डाउन करना है, इस तरह की मिस्टेक आपने नहीं करनी है। तो चलिए अब हम देखते हैं, नेक्स्ट है नंबर फाइव, सेट अ वॉच बाय। सेट अ वॉच बाय होता है नॉट पुट अ वॉच विथ। वैसे जनरली ये जो एक्सप्रेशन है हम नहीं यूज़ करते हैं, फिर भी आपको पता होना चाहिए। आई पुट माई वॉच विद द रेडियो न्यूज़ इज़ रॉन्ग, आई सेट माई वॉच बाय द रेडियो न्यूज़ इज़ राइट। इस सेंटेंस का मीनिंग है कि मैं अपनी वॉच को रेडियो न्यूज़ के अकॉर्डिंग सेट करता हूँ, यानी कि उसका टाइम सेट करता हूँ। ओके, सो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है कि सेट अ वॉच बाय होता है, पुट अ वॉच विद नहीं होता है। ओके, अच्छी तरह से इसे समझिए और नोट डाउन भी कीजिए। तो अभी हम देखने वाले हैं नंबर सिक्स क्या है, देखते रहिए ध्यान से। नंबर सिक्स है शो अ फिल्म। शो अ फिल्म होता है नॉट प्ले अ फिल्म। ओके, देखिए अभी मैं आपको सेंटेंस दिखाने वाली हूँ, जिससे कि आपको और क्लियर हो जाएगा। This film will be played shortly, ये wrong है। This film will be shown shortly is right, okay? यह film जल्दी ही दिखाई जाएगी। Shortly का meaning होता है जल्दी ही या फिर थोड़ी देर में। Okay? So I hope आपको अच्छे से clear हो गया ये भी कि show a film होता है not play a film, okay? So that's all for today. Thanks for watching. Keep learning. See you in the next video. Please subscribe to my channel if you haven't done it yet. And please give me your comments also. Thank you.